हाँ तो दोस्तों, मैं सुनील लखोटिया आप सभी के लेके लेके आया हूँ एक क्विक रीजन प्रोग्राम फॉर सॉलिड स्टेट। ये प्रोग्राम उनके लिए जो सॉलिड स्टेट का बहुत ही कम समय में एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। आप सब हम इस चैप्टर को बहुत इंजॉय करना चाहते हैं और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी एक अच्छे एक क्विक रीजन के साथ हम देखते हैं, और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको लगभग लगभग एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए वो मेरे इस क्विक रीजन से ही आ जाए। तो बिल्कुल ध्यान देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ का भी ध्यान और रखिएगा कि नीचे डिस्क्रिप्शंस में मैंने इसके पीडीएफ डाले हुए हैं, आप पीडीएफ पहले ही प्रिंट आउट निकाल लें और उसके बाद ये क्विक रीजन करें, और जो अच्छे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो आप इसमें भी मेंशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट पहले ही मैं बता चुका हूँ, सॉलिड स्टेट स्टेट तीन तरह की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉलिड की। सॉलिड को फर्दर डिवाइड किया है एमोरफस एंड क्रिस्टेलाइन। एमोरफस यानी कि वो हैं जो सॉफ्ट सॉलिड हैं जैसे प्लास्टिक, रबड़ एक्सेट्रा, और क्रिस्टेलाइन जो हार्ड है जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो इनके अंदर जो क्रिस्टेलाइन है इनके अंदर एटम सारे सिस्टमेटिक अरेंज होते हैं, लेकिन एमोरफस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो कहीं पे भी अरेंज हो जाते हैं अनसिस्टमैटिक ऑर्डर। इसी कारण उनको जब आप प्रेशराइज करते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस भी चेंज हो जाती है, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने आप में एक ही डायरेक्शन में जाओगे तो आपको एक तरह से बिल्कुल सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दिखाएगा, दूसरी डायरेक्शन में हो सकता है उतनी डेंसिटी भी ना मिले आपको, जबकि एमोरफस में हर डायरेक्शन में एटम्स आपको मिलेंगे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अनसिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो रहा है। तो इस कारण मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि एमोरफस जो है वो आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक का मतलब हर जगह सेम डायरेक्शन में सेम चीज़ मिलना, जबकि यहाँ पर किसके अंदर क्रिस्टलाइन में आइसोट्रॉपिक नेचर नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग नेचर है। आइसो का मतलब होता है सेम। अब आगे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हम पढ़ रहे हैं उनको हम क्लासिफाइड करते हैं तो हम कैसे देखते हैं, हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के सॉलिड्स होते हैं, उनमें पार्टिकल अलग अलग हो सकते हैं। ये पार्टिकल मेटल हो सकते हैं, ये पार्टिकल कैटायन हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, या ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या ये कोवलेंट बॉन्ड से शेयर्ड बॉन्ड से भी बन सकते हैं। इसी तरह से मैंने इनका क्लासिफिकेशन करा है कुछ अलग अलग तरीके से, तो देखते हैं हम कैसे हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आयनिक। आयनिक के अंदर आयन्स होते हैं पार्टिकल, और इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, ये ब्रिटल भी होते हैं नेचर में, यानी कि इनकी आप प्लेट या वायर नहीं बना सकते। इनके एग्जांपल NaCl, KCl जैसे हैं। दूसरी तरफ मॉलिकुलर सॉलिड, ये मॉलिकुल्स की वजह से होते हैं, यानी कि ड्राई आइस आप बोल सकते हो, सॉलिड अमोनिया बोल सकते हो। इनके अंदर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन या वांडरवाल अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ये सॉफ्ट होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, इंसुलेटर होता है, और H2O, Br2, CO2 इनके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कोवलेंट नेटवर्क, कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, शेयरिंग की वजह से बने होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल बोलना बेकवी यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, और इनके एग्जांपल है कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो होते तो ये भी हमारे पास ब्रिटल ही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेटलिक के लिए। तो मेटलिक की जब बात कर रहे हैं हम, देखिए आप पहले मेटलिक होते कैसे हैं। इनमें मेटलिक बॉन्ड होता है, वेरिएबल हार्डनेस होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा अलग अलग रेंज में होता है, लेकिन जनरली हाई होता है। इसके एग्जाम्पल है सोडियम, जिंक, निकल, क्रोमियम, आयरन, देख सकते हैं। अब आता है एक और डेफिनेशन जो क्रिस्टल के लिए आती है, वो होती है यूनिट एंड लैटिस। लैटिस यानी जितने भी पार्टिकल हैं आप उनको एक दूसरे के साथ हाइपोथेटिकल लाइन के साथ अटैच करें, तो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर जो बनेगा उसे आप क्या बोलेंगे, लैटिस बनेंगे बोलेंगे। और लैटिस का छोटे से छोटा पार्ट जिसका रिपीटेशन आपको बार बार देखने को मिल रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। तो यूनिट हमारे पास सबसे स्मॉल पार्ट है जो पूरे लैटिस के बारे में भी बता सकता है, ठीक है। तो अब आगे लैटिस का भी फर्दर क्लासिफाइड करेंगे लैटिस को भी हम, लेकिन किसके बेसिस पे, हमारे पास पैरामीटर चाहिए। हमारे पास दो तरह के पैरामीटर होते हैं, एज पैरामीटर एंड एंगल पैरामीटर। तीन तरह की एज होती है, ABC आप समझ सकते हैं इस तरह से बिल्कुल, और एंगल भी तीन होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो हम इस तरह से यूनिट सेल को क्लासिफाइड करने जा रहे हैं। देखिए मेन मैंने यूनिट सेल जो बनाए हैं मैंने, वो आपको सात तरह के आ रहे हैं, सिंपल क्यूबिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, टेट्रागोनल है, मोनोक्लिनिक है, रोम्बोहेड्रल है, ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल है। ये सभी अलग अलग ABC या अल्फा बीटा गामा की वजह से अलग अलग हो रहे हैं। हम कैसे याद करें, मैं बताता हूँ, आप इस ट्रिक का यूज़ करें। क्या लिखे, स्टोर, स्टोर के अंदर HMT घड़ी रखी हुई है, HMT पहले चला करती थी। तो S का मतलब सिंपल क्यूबिक, T का मतलब
टी का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, एच का मतलब हेक्सागोनल, एम का मतलब मोनोक्लिनिक, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक, एस का मतलब, अब एस कैसा है सिंपल क्यूबिक के, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, आप कर दीजिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू, आप क्या कर दें 90 डिग्री, बिल्कुल सही है। अब टी के अंदर आप एक एंगल काट दो, यानी कि टेट्रागोनल के अंदर एक एज कट जाएगी, एंगल नहीं एज। दूसरी तरफ ओ ऑर्थोरोम्बिक के अंदर एक और एज कट गई, आप ऑर्थोरोम्बिक देखिए दोनों एजेस कटी हुई दिख रही है, अल्फा बीटा गामा को आपने नहीं छेड़ा है। तो नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक के बाद रोम्बोहेड्रल, अब आप एज मत काटिएगा, एजेस कट चुकी है पूरी, तो किसको काटेंगे आप, एंगल को काटेंगे, आप देख लीजिएगा एंगल कट रहा है। ऑर्थोरोम्बिक के बाद हेक्सागोनल, एक एज काट दीजिए और एक एंगल काट दीजिए, ये मैंने एक एज काट दी और एक एंगल काट दिया, ठीक है, तो ये हेक्सागोनल। मोनोक्लिनिक में दोनों एजेस और एक एंगल काट दीजिए, और ट्राइक्लिनिक में तीनों एजेस और तीनों एंगल काट दीजिए, बस काम हो गया। तो ये हमारे को याद करने में कितना आसान हो गया, बस एग्जाम्पल आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो आप भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गई एक पॉइंट। अब आगे क्या आपको ये सातों स्ट्रक्चर दिखने में कैसी दिखेगी, इसको मैंने इस डायग्राम से बनाया है, आप आराम से देख सकते हैं पोज करके। नेक्स्ट इन सब के बारे में हमें ब्रेवियस ने बताया था, लेकिन ब्रेवियस ऐसा साइंटिस्ट था, उसने टोटल हमारे को 14 तरह के क्रिस्टल दिखाए थे, जो कि आपको देखने को मिल रहे होंगे बॉडी पर। अब ये 14 को मैंने 7 में क्लासिफाइड करा है मेन, लेकिन उस ब्रेवियस ने कितने क्रिस्टल बताए थे, 14। उसने कहा था सिंपल क्यूबिक को भी, यानी क्यूबिक जो था उसको भी तीन तरह से डिवाइन किया था, सिंपल, एफसीसी, बॉडी सेंटर, ऐसे ही हर एक को आप इसने डिफाइन किया। तो देखिए टोटल कितने हो गए, 14, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ये ऊपर के तीन है, तो हम उसी पे मेहनत करें जो हमारे सिलेबस में है, तो हम इनको एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक और बॉडी सेंटर क्यूबिक। इनके शॉर्ट नेम भी याद रखिएगा, सिंपल क्यूबिक को SC बोलेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक को FCC बोलेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक को BCC बोलेंगे। इनमें खास बात क्या है आपको देखने को मिल रही है, एक बेसिक अट्रैक्शन तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर पर है, यहाँ पर FCC के अंदर कॉर्नर पर है और फेस के सेंटर पर भी है, यहाँ पर कॉर्नर पर है और बॉडी के सेंटर पे भी है। तो आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि आप क्यूब को एक रूम की तरह देख लीजिए, बिल्कुल आपने रूम की इमेज कर लिया, ठीक है। अब बताइए रूम के अंदर कितनी वॉल्स हैं, 6 है, 1 2 3 4, ऊपर नीचे 5 6, 6 वॉल्स हैं, तो ये तो कहलाएगी फेसेस, क्या कहलाएगी, फेस। तो बताइए एक क्यूब के अंदर कितने फेस हैं, 6, इज दैट क्लियर। अब कौन ये जो हमारे एजेस हैं ये कितने होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये एजेस हमारे पास कितनी होती है, 12। कॉर्नर कितने होते हैं, 8, 4 ऊपर 4 नीचे, इज दैट क्लियर। अब इसके अलावा बॉडी सेंटर कहाँ होगा, जो कमरे के बीचों बीच है वो बॉडी सेंटर, फेस सेंटर कहाँ होगा, जो दीवार के बीच में वो फेस सेंटर, कॉर्नर कहाँ होगा, उस जगह कॉर्नर होगा, इज दैट क्लियर। इस डायग्राम को क्या बोलेंगे, जो दीवार के ऊपर इस तरह से आ रहा है फेस, फेस डायगोनल, जो बॉडी के सेंटर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आ रहा है बॉडी से होता हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद करने, तो मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ, दो पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे। पहला पॉइंट तो ये कि ये जो आपके पास है ये बॉडी डायगोनल है, अगर आपके पास ए है एच, तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, फेस डायगोनल की रूट टू ए, और ये बॉडी डायगोनल है इसकी कितनी हो जाएगी, रूट थ्री ए। आ गया बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल में अंतर, इज दैट क्लियर। फेस से होता हुआ जो जाए फेस डायगोनल, बॉडी के सेंटर से जो जाए वो बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल की वैल्यू होती है रूट थ्री ए, फेस डायगोनल की होती है रूट टू ए, इज दैट क्लियर। इन दोनों की बात जब समझ लीजिएगा, ये एजेस हैं आपके पास और एज के ये कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एजेस हैं जो आपको 12 दिखाई देंगी, इज दैट क्लियर। तो इन सबको ध्यान से देखिए आप। तो बच्चों अभी हम और भी देखते हैं इन्हीं को, FCC, BCC और सिंपल जो भी आप पढ़ रहे हो सिंपल क्यूबिक, इनको कैसे देखते हैं तरीके से। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी दोनों सेम ही है, एक ही के दो नाम है। प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक के अंदर आप मान के चलिए आपके जो एटम है वो कहाँ होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे देखने को मिलेंगे, और कॉर्नर कितने होते हैं आप जानते हो, कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो आठों कॉर्नर पे आपको क्या दिखाई देगा, 1 1 1 1 1 एटम। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई हमारे पास टोटल एटम कितने हो गए, 8 हो गए, कितने हो गए, 8, लेकिन 8 हुए नहीं है,
क्योंकि एटम कॉर्नर पे होने का मतलब नहीं है कि वो यूनिट के अंदर है, एटम कॉर्नर पे होने का मतलब है उसका कुछ पोर्शन यूनिट के अंदर है और वो पोर्शन होता है 1/8। तो इस तरह से यहाँ अगर मुझे जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी पड़ रही है बच्चों, तो वो कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर है, 8 ही एटम होंगे लेकिन हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल कितना हो जाएगा, नेट इफेक्ट आपका नेट जेड इफेक्टिव कितना आएगा, 1। ये जेड इफेक्टिव बता रहा है यूनिट के अंदर एक्चुअल कितने एटम पूरी तरह से आ रहे हैं, तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि क्या आपका एटम कितने दूसरे एटम से सराउंडेड है, घिरा हुआ है या डायरेक्ट अटैच्ड है, तो वो आपके लिए कहलाएगा इस जगह पर कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एटम है, ये यहाँ पर इससे भी अटैच्ड है, पीछे वाले से भी अटैच है, ऊपर से भी अटैच्ड है, नीचे भी अटैच्ड है और इस दाएं बाएं ऊपर नीचे इस तरह से अटैच्ड है, तो यहाँ इस कितने एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली की बात कर रहा हूँ, तो कितना आंसर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये इसके लिए कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके लिए जेड इफेक्टिव 1 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। इज दैट क्लियर। बाकी एटम से ये अटैच ही नहीं है तो वो काउंट भी नहीं होंगे। तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो इस यूनिट के है नहीं, तो इस मैंने कभी नहीं बोला, मैंने यही बोला है कि बस अटैच होना चाहिए, वो अटैच एटम उस यूनिट के हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके पास एक और आ रहा है सिंपल क्यूबिक के बारे में, आप कुछ और बताएं। तो देखिए सिंपल क्यूबिक हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, एटम का शेप जो होता है वो स्पेरिकल होता है। तब जब स्पेरिकल होता है तो वो एटम अंदर ऐसे रख दिए जाते हैं, बिल्कुल भर दिए जाते हैं। तो जब आप भर दिए जाएंगे तो यहाँ पर ये एटम एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, जब तक अटैच नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं, तब तक वो गिरते रहेंगे। तो आप ही देखिए जब ये एटम एक दूसरे के ऊपर गिर गए तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगी ये क्या बनेगी, यही डिस्टेंस ए है। तो ए की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, जल्दी से बताइए, ए की वैल्यू यहां पर आएगी 2r। इज दैट क्लियर। यानी कि ये r प्लस r, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r। यानी ए यहां पर एज लेंथ है और r यहां पर एटम की रेडियस है। अगला पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्या बीच में खाली जगह होगी, आपका क्वेश्चन बन सकता है, मैं कहूँगा हाँ। यानी कि 100% यहाँ पर जगह ऑक्यूपाइड नहीं हो पा रही है एटम से, क्योंकि एटम स्पेरिकल है। अगला क्वेश्चन होगा तो फिर कितने परसेंट ऑक्यूपाइड होगी और कितने परसेंट खाली होगी, तो चलिए उसको बोलते हैं पैकिंग फैक्टर, यानी कितने परसेंट ऑक्यूपाइड हो रही है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, चार टोटल कितने एटम है, 1, तो उसके लिए आपको 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 πr³, ये तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स हो गया, और ए क्यूब, ए की जगह आप यहाँ 2r रख सकते हैं, इससे आपके पास वैल्यू आएगी और वो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आएगी, पॉइंट 0.54। तो ये हमारे पास आएगा 54.524। तो 52.4% आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, पैकिंग फैक्टर या पैकिंग परसेंटेज। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज पैकिंग। अब बाकी खाली कितनी रहेगी, तो आप देख लीजिए लगभग 48% के समथिंग यहाँ पर क्या हो गई, खाली होगी, यानी 47.6% पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खाली रहेगी, और 52.4 आपके पास यहाँ पर क्या होगी, भरी हुई रहेगी जहाँ पर एटम है। तो ठीक है, तो पैकिंग फैक्टर क्या रहेगा, 0.524। इज दैट क्लियर। ऐसा ही हम आगे जो बची हुई स्ट्रक्चर है उनके लिए एक एक करके निकालेंगे। तो पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए, क्या आपके पास ये समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और पॉइंट आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर हमें डेंसिटी निकालनी होगी तो लैटिस की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, आप लैटिस की निकालें या यूनिट सेल की निकालें, दोनों की डेंसिटी क्या होगी, बराबर होगी। तो जब आप यूनिट सेल की डेंसिटी निकालेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए, तो डेंसिटी का तो एक ही फॉर्मूला होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास कैसे निकालेंगे आप, कितना एटम आ रहा है एक्चुअल में, एक, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन ए अपॉन ए क्यूब। ध्यान से देखिएगा, एक एटम है, एक एटम मोलर मास जो होता है एक मोल का होता है, तो एक पार्टिकल का कितना हुआ, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन ए, और पार्टिकल भी एक ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास अपॉन एन ए, और वॉल्यूम कितना है यूनिट का, ए क्यूब। अगर आपको एज दी हुई है तो ए क्यूब, अगर आपको रेडियस दी हुई है तो ए की वैल्यू आप क्या रख देंगे, 2r। इस तरह से आपके पास आंसर आएगा और वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ए को आपको किस में रखना है, सेंटीमीटर, या आर दिया जाए तो भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है बॉडी सेंटर क्यूबिक, BCC। बॉडी सेंटर क्यूबिक किस तरह से हमारे पास डिज़ाइन है, चलिए स्लाइड्स को चेंज करके दिखाइए। तो ये हमारे पास BCC हो गया, BCC FC से ही, सिंपल क्यूबिक से ही मिलके बना हुआ है, यानी कॉर्नर पे तो एटम है ही, साथ में अब एक एटम और इसमें ऐड हो गया, यानी इनके परिवार में एक मेंबर बढ़ चुका है और वो सीधा कहाँ चला गया,
वो सीधा चला गया बॉडी के सेंटर से। इससे क्या फर्क पड़ा कि जो पहले ये चिपके हुए थे अब ये थोड़े दूर हो गए, दूर हो गए यानी इनका आपस में कांटेक्ट चेंज हो गया। तो जब कांटेक्ट चेंज हो गया तो इससे सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा इनके कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी, पैकिंग फैक्टर सब चेंज हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले कितने एटम थे, एक तरह से देखा जाए तो ये अपने आप में 1/8 आता है, ये पूरा कितना है 1/8, और 1/8 वाले कॉर्नर वाले कितने हो जाएंगे जेड इफेक्टिव अगर आप निकाल दें तो। थोड़ी सी मेहनत करिए, 1/8 मल्टीप्लाई बाय कितने होते हैं 8, प्लस जो बॉडी के अंदर आ रहा है एटम वो तो पूरी तरह से इसमें है, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास क्या हुआ 1+1, तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2। तो ये आपके पास हो गया एक तरह से जेड इफेक्टिव। दूसरा आपके पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में उस एटम से निकालने की कोशिश करता हूँ जिससे सबसे आसान हो। फॉर एग्जाम्पल ये एटम सबसे दिख रहा है, कितने एटम से अटैच हो रहा है, 4 इसके ऊपर है 4 इसके नीचे, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ आप ही बताइए, 8 हुआ ना, तो 8 ही मैं बोल रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर साइड वाले के एटम के लिए, अरे भाई इन सब स्ट्रक्चर में सभी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सेम ही होगा, अलग हो ही नहीं सकता। फिर भी अगर आप इससे निकालना चाहते हैं तो ये 8 यूनिट में पार्टिसिपेट कर रहा है, हर यूनिट का बॉडी सेंटर इससे अटैच होगा, तो कैसे भी करें 8 यूनिट में हर एक का बॉडी सेंटर कितना हुआ, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होगा। तो आप किसी से भी निकालें आपका आंसर सेम होगा। एक और चीज, आप पैकिंग फैक्टर अगर यहां निकालेंगे तो पैकिंग फैक्टर आपके पास यहां पर आएगा 0.68 या पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 68%। नेक्स्ट आप यहां निकालना चाहते हैं कि सर हम इसके लिए क्या कहते हैं आर और ए में कैसे रिलेशन निकालें, तो ये दो पॉइंट को पकड़ लो बॉडी, ये बॉडी डायगोनल होगा, बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी आती है मैंने बताया था √3a, √3a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहाँ पर 4r, √3a की वैल्यू 4r, तो a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 4r/√3। इज दैट क्लियर, आधा काम मैंने कर दिया है, आधा काम आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी तो हर जगह एक ही फॉर्मूला लगता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखिए मास कैसे निकालेंगे, कितने एटम थे, दो एटम थे, एक एटम का मास मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन ए, दो एटम का मास दिस और ए क्यूब, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे √3a=4r। तो अगर r दिया है, a निकालेंगे, a को यहाँ रख के मोलर मास का यूज़ करते हुए आप डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालिएगा। थैंक यू, ओके। अब आगे आपके पास एक और स्ट्रक्चर बन रही है FCC, FCC के लिए आप देखते जाए कैसे देख रहे हैं हम, देखिए FCC अब ये बिल्कुल अलग है, सिंपल क्यूबिक फैमिली बनी हुई थी लेकिन 4 और नए एटम आ रहे हैं और वो अलग अलग तरह से, वो बोट 1, 2, 3 नीचे मतलब चारों फेस पे 4 इस तरह के और एक ऊपर नीचे मिला के 5, 6 एटम आए लेकिन 6 एटम पूरी तरह से नहीं आए, हर एटम अपना आधा पार्ट लेके आया, तो कितना होगा इसके लिए जेड इफेक्टिव आप ही बताएं। जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, 8 कॉर्नर है हर एक पे 1/8 प्लस 6 फेज है हर एक पे 1/2, तो कितना हुआ 1+3 कितना होता है 4। क्लियर है, तो इस तरह से हमारे पास जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी 4। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आगे इसी चैप्टर के अंदर बताऊंगा, इनका अभी आप याद रख लीजिएगा कितना होता है 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना हो जाएगा 12। अच्छा अगला पॉइंट, ए और आर में क्या रिलेशंस होगा आपके पास, देखिए ये चारों एटम एक दूसरे से अटैच हैं, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर √2a, बॉडी डायगोनल √2a होता है, √2a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 4r, यानी a की वैल्यू हो जाएगी √2r, तो ये बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक है ना, बॉडी डायगोनल नहीं फेस डायगोनल हो गया, फेस डायगोनल √2a और इतना 4r। तो अगला पॉइंट आपके पास आएगा कि क्या हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, हाँ डेंसिटी कितने एटम आ रहे हैं 4, और एक एटम का मास कितना होता है मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन ए, और वॉल्यूम कितना है ए क्यूब, ए की वैल्यू की जगह √2r³ भी रख सकते हो, तो आपका डेंसिटी का काम भी हो गया। डेंसिटी का काम हो चुका है, अब आपके पैकिंग फैक्टर रह रहा है, पैकिंग फैक्टर जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है पैकिंग फैक्टर बढ़ता है, पहले 52.4% ही थी फिर 68 हुई और अब आपके पास पैकिंग फैक्टर होगा 0.74 या आप बोल सकते हो 74%। Is that clear? इसका मतलब है 74% में एटम ऑक्यूपाइड है और बचा हुआ जो आपके पास 26% है वो आपके पास क्या है एम्प्टी है। Is that clear? तो पैकिंग फैक्टर बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ये तीनों एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं, प्रोपोर्शनेट है। Is that clear? तो ये आपके पास हो गया एक बेसिक सा। देखिए हमने अभी तक तीन तरह की स्ट्रक्चर पढ़ ली है, अब हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो देखिए अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये सिंपल सा है, ये जो आपने FCC पढ़ा है ना बेटा, इनमें आपको FCC बना कैसे था मैं वो बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में FCC को अगर 3 डायमेंशन में देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, एक लेयर है, एक उसके ऊपर वाली लेयर है और एक
उसके ऊपर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें हेक्सागोनल लेयर दिख रही है आपको, उसके ऊपर तीन एटम है और नीचे भी तीन एटम है। तो हेक्सागोनल लेयर में जो एटम है ऊपर आगे एक पीछे दो, और नीचे वाली लेयर में आगे दो पीछे एक, यानी कि ये लेयर से बिल्कुल अलग है, बीच वाली लेयर तीनों आपस में एक दूसरे से अलग है, इसलिए इन तीनों के नाम मैंने ए बी सी ए बी इस तरह से रखा है। और उसके बाद वो चीज़ रिपीट होती है, तो ये ए बी सी ए बी सी। तो जब आप 3D में देखेंगे तो ये ए बी सी मिलकर, यानी कि ये ए फिर ये बी और फिर सी, और इस ए के ऊपर भी वापस सी, तो इन सब से मिलके ही आपके एफ सी सी बना है। तो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत आसानी से पता चल जाएगा। देखो 1 2 3 3, यानी 6 तो एक प्लेन में हुए, तीन ऊपर तीन नीचे, तो कितना हुआ 6 + 3 + 3 12, इज दैट क्लियर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको यहाँ पर बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि 12 हुआ तो कैसे हुआ। अब आगे देखिए, यानी हम बात कर रहे थे हेक्सागोनल में, तो हमारे दिमाग में एक और चीज़ आ गई कि उसको हमने ए बी सी दिया था, तो ऐसा भी तो हो सकता था सर कि आपके पास एक लेयर है, एक आगे ऊपर की तरफ एक आगे दो पीछे, नीचे भी एक आगे दो पीछे, तो फिर क्या होगा। तो बेटा फिर उस कंडीशन में आपको जो लेयर है बीच वाली उसको बी मानना है, और ऊपर वाली ए नीचे वाली भी है, तो इसको बोलेंगे ए बी फिर ए बी फिर ए बी, ए बी ए बी ए बी टाइप स्ट्रक्चर। दोनों की कुछ हद तक प्रॉपर्टी सेम होगी, बस यूनिट वाइज एक यूनिट अलग बनेगा और एक में यूनिट अलग बनेगा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। तो दोस्तों इसके अंदर आपके पास जो ये कंडीशन आएगी, इस पूरे यूनिट का वॉल्यूम और कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो एटम होगा ये कितने यूनिट्स में होगा, तीन नीचे यूनिट होगी तीन ऊपर, तो हर एक कितने में होगा, ये वाला एटम 1/6 का कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर और ये जो इस जगह सेंटर में आ रहा है इसका 1/2, और जो बॉडी के अंदर आएगा इसका 1। तो इस तरह से जो बनने वाले स्ट्रक्चर है, पहले तो उसका नाम क्या है, ए बी ए बी ए बी स्ट्रक्चर, ए बी ए बी ए बी स्ट्रक्चर। दूसरा नाम इसका है हेक्सागोनल, क्योंकि ये हेक्सागोनल बनाएगा, तो ये हेक्सागोनल है। और अब प्रॉपर्टी, इसके लिए जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव देखिए 1/6 रखने वाले कितने एटम है आपको दिख रहे होंगे, 12, 6 ऊपर 6 नीचे, तो कितना हुआ 12। और ये 1/2 रखने वाले कितने, एक ऊपर एक नीचे, तो यानी 2, तो ये हमारे पास हो गया। प्लस बीच वाले कितने जो पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं, 3, तो एक तरह से 2 + 1 + 3 कितना हुआ 6, तो इसका जेड इफेक्टिव 6 हो रहा है, इज दैट क्लियर। तो ये आपके पास जेड इफेक्टिव कितना हो गया यहाँ पर 6। और भी बहुत सारी चीज़ें, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका वही होगा जो पहले था 12, क्योंकि सिमिलर है। नेक्स्ट इसके अंदर एक और पॉइंट, पैकिंग फैक्टर इसका वैसे ही होगा जैसे उसका था, 74% एफसीसी का था। तो बाकी प्रॉपर्टी सिमिलर सी चल रही है, बस ये है, बस अंतर एक और आ रहा है, उसका वॉल्यूम अलग था, इसका वॉल्यूम अलग है। इसका वॉल्यूम है √24 √2 r³, थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यूनिट बढ़ी है, यूनिट बढ़ी है तो एटम भी ज़्यादा है, तो हर चीज़ ज़्यादा है, तो डेंसिटी तो बराबर ही आएगी, भले आप एफ सी सी से निकालें या फिर ये ए बी ए बी ए बी स्ट्रक्चर से निकालें। तो मैं बताना चाहूँगा पहले वाली स्ट्रक्चर जो आपने एफ सी सी पढ़ी थी उसके कितने नाम थे, तीन थे, एक एफ सी सी, एक ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी CCP भी बोलते हैं, जबकि इसके दो ही नाम है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये दोनों ही है आपके लिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो है, मतलब हेक्सागोनल तो है लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट, अगर आप इसके अंदर अगली स्लाइड देख रहे हैं तो आपको किस तरह का दिख रहा है कि कौन से मेटल्स किस तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं, आप इसको एक बार नज़र में डाल लीजिए कि बहुत सारे मेटल तो ऐसे होंगे जो हेक्सागोनल भी रखेंगे और स्क्वायर भी रखेंगे, और हेक्सागोनल में भी आप बोल सकते हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी रख सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी रख सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और बॉडी सेंटर क्यूबिक सब रख रहे हैं बताओ। और इस तरह से हम अरेंजमेंट देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटा याद रख लो, मैं बताऊँ क्या। देखो ये वाले जितने भी मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, ये तो रखेंगे बी सी सी। तो बताओ सोडियम की कौन सी स्ट्रक्चर है, बी सी सी, पोटेशियम की कौन सी है, बी सी सी, और ये जो अंदर की तरफ है डी ब्लॉक में, इनमें ज़्यादातर वो क्या रख रहे हैं आपके पास इस जगह, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो खास तौर पे बेरेलियम, मैग्नीशियम तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम क्यूबिक क्लोज पैकिंग रख रहे हैं। तो थोड़ा सा याद रखना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोडियम, सोडियम कौन सी रखता है, बी सी सी, बॉडी सेंटर क्यूबिक, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसका पैकिंग फैक्टर कितना बढ़ाया था मैंने, 68%।
और ये बात समझ में, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, बाकी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट, अब आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर, अगली स्लाइड्स लाते हैं हम। तो ये हमारे पास अगली स्लाइड्स आ गई, ये देखिए इस स्लाइड्स के अंदर मैंने क्या बताया, टाइप्स ऑफ पैकिंग इन टू डायमेंशंस। देखो कैरम की गोटियाँ हैं, जमा दी आपने, दो तरह से जमा सकते थे कि हर गोटी अपने आप में एक ऊपर एक नीचे और इस तरह से अरेंज हो कि आपके पास स्क्वायर बन जाए, और ऐसा भी हो सकता था बेटा यहाँ पर आपके पास हेक्सागोनल बन जाए लाइक दिस। देखना मैं हेक्सागोनल बनाना चाहता हूँ, क्या आपको हेक्सागोनल दिखाई दे रहा है? यस, ये हेक्सागोनल दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा अच्छी पैकिंग कौन सी होगी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये थोड़ी ज़्यादा, इसमें देखो कितनी बड़ी जगह ख़राब हो रही है, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। तो इसका पैकिंग फैक्टर किसका ज़्यादा आएगा? इसका, इसका कम रहेगा। मैक्सिमम स्पेस आपकी क्या दिख रही है? खाली दिख रही है। तो इस तरह से आप इनकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। अगर आप 3D में देखेंगे इन्हीं को, देख लीजिए अच्छा लग रहा है, तो 3D में आपको ये इस तरह का दिखेगा, हेक्सागोनल सॉरी स्क्वायर और हेक्सागोनल इस तरह से दिखेगा। तो ये आपके पास 3D में हो गया। हेक्सागोनल पैकिंग को आप और अच्छे से देखना चाहते हैं, ये देखिए ए बी ए बी ए बी स्ट्रक्चर है, या ए बी ए बी ए बी स्ट्रक्चर है, और ये हेक्सागोनल आपके पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, तो ये आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आता है ए बी सी, ए बी सी जिसको आप क्या बोलते हैं, सी सी पी भी बोलते हैं और एफ सी सी भी बोलते हैं। तो एफ सी 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 एफ सी 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 पी ए बी सी ए बी सी आर सेम थिंग, और आप देखिएगा तीन लेयर दिखेंगी ए बी सी, और यही आपके पास एफ सी सी लैटिस बना रहा है, यही आपके पास सी सी पी यानी क्यूबिक क्लोज की पैकिंग भी कराएगा। इन सब में कुछ सिमिलरिटी है, बस डिसिमिलरिटी एक ही है, और वो है कि इनकी यूनिट्स एक में बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है, उसमें हेक्सागोनल में बड़ी होती है, बाकी पैकिंग फैक्टर कोऑर्डिनेशन नंबर जैसी प्रॉपर्टी सेम होती है। इज दैट क्लियर? आगे इसको आप देख सकते हैं 3D के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम मैंने आपको शो किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब बात आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ वॉइड्स इन क्लोजर्स पैकिंग। भाई ये है क्या टाइप्स ऑफ वॉइड्स, पहले समझना। मैंने एक रूम में बहुत सारी फुटबॉल रख दी, अच्छा किया। अब फुटबॉल रख दूंगा तो उसके बीच में जो जगह बचेगी वो कहलाएगी मेरे लिए वॉइड स्पेस, या वॉइड साइट में बोलूँगा, साइट का मतलब स्पेस ही होता है। इज दैट क्लियर? तो बहुत सारी वॉइड स्पेस बनेगी। अब वॉइड स्पेस में जो एटम रखा जाएगा वो कहलाएगा वॉइड एटम। इज दैट क्लियर? तो वो वॉइड एटम हो गया। तो हम दो तरह की साइट के बारे में बात कर रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाइडल। तो टेट्राहेड्रल साइट और ऑक्टाइडल साइट होती क्या है, पहले समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये तीन एटम है, देखिएगा ध्यान से, ये तीन एटम है, सही है। अब ये तीन एटम में एक एटम आपने रख दिया यहाँ पर, ये रख दिया आपने, रख दिया, सही है। अभी तक आप कुछ भी नहीं बता सकते ये कौन सा एटम कहलाएगा, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाइडल। आगे की दूसरी लेयर आपने बनाई, देखिए ये दूसरी लेयर बनाई और दूसरी लेयर इस तरह से बनाई, तो बताओ ये जो वॉइड वाला एटम था ये कितने एटम से अटैच हुआ, तीन नीचे तीन ऊपर, तो टोटल कितने हो गए, छः। जब छः एटम हो गए तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सिक्स, और ये छः एटम एक तरह से एक मिलाया जाए तो ये ऑक्टाइडल बनाते हैं, तो ये एटम क्या कहलाएगा, ऑक्टाइडल वॉइड कहलाएगा। इज दैट क्लियर? और साइट कौन सी यानी जगह कौन सी कहलाएगी, ऑक्टाइडल साइट। इज दैट क्लियर? तो ये ऑक्टाइडल साइट कहलाएगी और एटम आपके लिए ऑक्टाइडल वॉइड कहलाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सिक्स। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, मैंने दूसरी तरफ इस तरह से बनाया और अब एक एटम यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है। अभी तक मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि ये टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इसके ऊपर वाली लेयर में मैंने एक एटम सीधा ऊपर रख दिया, तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड वाला कितने एटम से अटैच होगा, चार से, तीन नीचे और एक ऊपर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा उसका, चार। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी चार होगा, और ये जब चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको कैसी शेप दिखाई देगी यहाँ पर, बिल्कुल सही कहा, टेट्राहेड्रल। तो वॉइड को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। उस खाली जगह जहाँ एटम आया उस साइट को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल साइट। इज दैट क्लियर? तो आपका अगला क्वेश्चन यही होगा, सर एफ सी सी हमने पढ़ा है उसमें टेट्राहेड्रल साइट्स और ऑक्टाहेड्रल साइट्स की का परिचय दीजिए। तो चलिए मैं वही बताने जा रहा हूँ कि एक यूनिट सेल के अंदर, किसी भी एक यूनिट सेल में इनकी पोजिशन कहाँ कहाँ होती है वो हम समझ रहे हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही ज़्यादा है, और उनकी पोजिशन आपको कहाँ दी गई है, एफ सी सी में ही मैंशन है। तो पहले सिलेबस ही पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए, अब मान लीजिए आपसे पहले पूछा जा रहा है टेट्राहेड्रल की पोजीशन क्या होगी, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। मान लीजिए ये रूम है, सही है, तो रूम देख रहा है, आपको रूम कैसा दिखाई देगा,
बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको रूम दिखाई देगा एक क्यूब जैसा, ये दिखाई दिया रूम। अब इसका बॉडी डायगोनल बना लीजिए, ये आपने बॉडी डायगोनल भी बना लिया, बना लिया। बॉडी डायगोनल के अंदर अब बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट बनाइए जो इस बॉडी डायगोनल को बिल्कुल हाफ कर दे, आपने कर दिया हाफ, फिर उसका भी हाफ जो आ जाए उस पॉइंट पे आपके पास जो जगह आएगी वो होगी टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो बताओ इस बॉडी डायगोनल में ऐसे कितने पॉइंट बनेंगे, दो, इस बॉडी डायगोनल पे दो। यानी क्लियर हो गया बॉडी डायगोनल की पोजीशन क्या होगी, यानी बॉडी के डायगोनल को आधा फिर आधा कर दो, तो वो जो आधे का आधा वाला पॉइंट होगा वो आपका बॉडी डायगोनल सेंटर कहलाएगा, और आधा वाला पॉइंट पे आपके टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं होगा। तो एक बॉडी डायगोनल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, दो। तो बॉडी डायगोनल टोटल कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल होते हैं चार, तो चार पे हर एक पे दो, तो टोटल बॉडी डायगोनल मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने मिलेंगे आपको, आठ, और आठों के आठों टेट्राहेड्रल वॉइड पूरी तरह से क्यूब के अंदर होंगे। तो जेड इफेक्टिव कितना होगा इसका, जेड इफेक्टिव ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, आठ। इज दैट क्लियर। जबकि एफसीसी के लेटेस्ट पॉइंट का कितना आता है आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, चार। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ट्वाइस ऑफ जेड इफेक्टिव। बिल्कुल सही, मैं यही बोलना चाहता था, आपने समझ भी लिया, अच्छा किया। टेट्राहेड्रल आर ट्वाइस ऑफ जेड इफेक्टिव, इज दैट क्लियर। एंड द पोजिशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल, यानी पूरी तरह से क्यूब के अंदर है। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, कितना होता है, छः। तो अब इनकी पोजीशन समझते हैं, देखो बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, याद करने का भी और समझने का भी। तो देखिए आपने क्या करा, ये आपने एक क्यूब बनाया, क्यूब में कितनी एजेस हैं, 12, बिल्कुल सही कहा आपने, 12। हर एक एज के सेंटर पर, हर एक एज के सेंटर पर जो होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड छह एटम से अटैच होता है, तो वो छह एटम कौन कौन से हो रहे हैं, देखिए बिल्कुल, एक ऊपर, एक नीचे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक आगे, एक पीछे, तो टोटल कितने हो गए, सिक्स, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपके पास कितना एटम्स आ जाएंगे, सिक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा आपके पास आ जाएगा कि सर ये ऑक्टाहेड्रल कैसे दिख रहा है, आपको दिखेगा, आप अगर तरीके से बनाओगे तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। देखो मेरे को तो दिख गया, तो ये आपके पास पूरा ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, थोड़ा सा तरीके से देखो एक बार, दिख गया होगा। तो बिल्कुल इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होंगे, हर एक एज पे, और एजेस कितनी है, 12, समझ में आ रहा है, 12 एजेस, और जो एज के सेंटर में होगा वो चार यूनिट सेल में होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4। इसके अलावा एक बॉडी के सेंटर पे भी होगा, बॉडी के सेंटर, बिल्कुल बॉडी के सेंटर, उसका कंट्रीब्यूशन 1 पूरा 100% होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 4। तो क्या ये जेड इफेक्टिव एफसीसी का भी यही था, हाँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो टू टाइम्स होते हैं जेड इफेक्टिव के, बिल्कुल, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो 1 टाइम्स होते हैं जेड इफेक्टिव के, बिल्कुल सही है। ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत मदद करेंगे, और पोजिशन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इज दैट क्लियर। तो ये हमने पढ़ा है वॉइड और लैटिस, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि लैटिस एटम और वॉइड में आने वाले एटम अलग अलग होंगे। लैटिस में जो आएंगे वो बड़ी फुटबॉल है, और जो वॉइड में आएंगे वो छोटी छोटी टेनिस की बॉल है, इज दैट क्लियर। तो हम इसी को और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखो। हाँ तो बच्चों देखो, ये मैंने एक तरह से जो ये रेड बॉल है ये एफ सी सी बताया है दोनों ही तरफ, और जो ये छोटी बॉल है ये मेरे वॉइड्स हैं। तो देखिए आप मुझे बताइए, ये जो छोटी बॉल है ये कहाँ दिख रही है आपको, एज की सेंटर में दिख रहा है, तो ये कौन से वॉइड्स होंगे, ऑक्टाहेड्रल। तो बताइए कितनी एजेस हैं, 12, आपको 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, और एक कहाँ दिखाएगा, बॉडी सेंटर पे। आपको कितना प्यारा डायग्राम है, बॉडी सेंटर पे जो बना हुआ है उसको आप ऑक्टाहेड्रल सेंटर पे देख सकते हो, और बता सकते हो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर नीचे मिला के, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दूसरा पॉइंट, ये एक ऑक्टाहेड्रल सेंटर में है इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं, ये चीज़ क्लियर है। आगे नेक्स्ट, अब बात करते हैं एफसीसी के अंदर। एफसीसी के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड, मैंने आपको पहले ही बताया कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होगा, बिल्कुल ध्यान रखना, बॉडी डायगोनल के आधे पर दिख गया, ये आधे का आधा ही पॉइंट है। अब ये टेट्राहेड्रल दिख नहीं रहा है तो मैं बता दूँ कि अगर आपने ये तीनों पॉइंट को मिलाया, देखिए ध्यान से,
तो यहां पर जो ये बीच सेंटर बन रहा है, टेट्राहेड्रल बन चुका है ये, अब आपका इज दैट क्लियर। तो ये टेट्राहेड्रल बन चुका है आपका, तो अब इस टेट्राहेड्रल के जो बीच में आएगा वही टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड भी बन चुका है। तो अब आगे आपको दोनों पोजीशन बता चुका हूँ, एक खास पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन चीजों को रिप्रेजेंटेशन करना है, जेड इफेक्टिव देख सकते हो आप, हर चीज आप जानते हो। अब एक पॉइंट आ रहा है कि क्या टेट्राहेड्रल वॉइड और क्यूबिक जो आपके पास लैटिस एटम है वो बराबर होंगे? नहीं, लैटिस एटम देखो बड़े बना रखे हैं और वॉइड एटम मैंने क्या बना रखे हैं, छोटे बना रखे हैं। तो अब इनके रेशियो क्या होंगे, इस पे हम मेहनत करने वाले हैं। क्या रेशियो ही डिसाइड करते हैं कि एटम किस वॉइड में जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जितना एटम छोटा होता जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्टिवली बात कर रहा हूँ, उतना ही वो अंदर की तरफ जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता जाएगा, और जितना वो इसके बराबर होता जाएगा, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, पैकिंग फैक्टर ज़्यादा होगा और 10। तो ये हमारे पास जब भी वॉइड एटम और मेन एटम आएंगे तो ये यानी कि एक एलिमेंट नहीं होगा, ये कंपाउंड होगा, इज दैट क्लियर। जबकि सिंपल क्यूबिक और सिंपल बीसी एफसीसी अगर मैं बात करता था तो वो क्या होता था, एलिमेंट, वो प्योर मेटल थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंड, जैसे आयनिक कंपाउंड वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना। तो ये अब हम बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड की, तो चलिए फिलहाल मैं कुछ छोटी छोटी बात कर रहा हूँ। ये बड़ा एटम हमेशा एनायन होता है और छोटा एटम क्या होता है, केटायन होता है। अगर केटायन बिल्कुल फिक्स है, चारों से अटैच है, टच किया हुआ है, तो ये स्टेबल होगा, इस तरफ भी अटैच किया हुआ है, ये भी स्टेबल है। ये छोटा पड़ गया, अंदर गिर जाएगा, अनस्टेबल है, गिर क्या जाएगा, होगा तो गिरेगा ना, ऐसा बन ही नहीं पाता है। यानी इन चारों का केटायन का चार एनायन से कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। अब यहाँ दो बातें हो सकती है, एक होता है देखो चारों पॉइंट पे अटैच होना और बिल्कुल फिक्स होना, तो यहाँ केटायन और एनायन की रेडियस क्या कहलाएगी, एक आइडियल रेडियस रेशियो कहलाएगा। यहाँ आइडियल रेशियो से बड़ा हो गया, यहाँ आइडियल रेशियो से छोटा हो गया, तो ये छोटा होना ही बेकार है, बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए काम चलेगा। इस तरह से अगर आते ही छोटा होते ही फिर उसे अपना वॉइड का नेचर चेंज करना पड़ेगा, यानी टेट्राहेड्रल से और छोटा बनना पड़ेगा या ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल की तरफ जाना पड़ेगा उसे। तो चलिए अब आगे, तो मैं आपके साथ हूँ। अगर आपके पास केटायन एनायन का रेशियो 0.015 या कम है तो वो कहाँ होगा, इस जगह देखने को मिलेगा, मतलब इसके आसपास है, तो आप वो कहाँ होगा, ट्राइगोनल वॉइड में, यानी एक प्लेन में के ट्रायंगल के बीच में होगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं, लेकिन रेशियो जरूर याद रखना, 0.155 हो गया। दूसरा अगर हम बात करें, एक बार और देखते हैं आगे कौन सा हमारे पास है, ये हमारे पास अगर टेट्राहेड्रल वॉइड होता तो ये रेशियो कितना होता है, 0.225। ऑक्टाहेड्रल होता तो ये रेशियो कितना होता है, 0.414। और अगर इसके बाद भी एक और वॉइड होता है जो हमारे सिलेबस में है और वो है क्यूबिक, तो क्यूबिक रेशियो में यानी क्यूबिक वॉइड कहलाता है, वो होता है 0.732। अब आप कहेंगे सर ये सिलेबस में है तो इसकी पोजीशन भी बता दो, बिल्कुल ये सिंपल क्यूब में पाया जाता है, सिंपल क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे होता है। तो ये सिंपल क्यूबिक हो गया आपके पास और यहाँ पर सेंटर पे हो गया, बस यानी इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। यस और नो, उसके अंदर वॉइड तो बॉडी के सेंटर पे आ रहा है, तो बताइए ये क्या हो गया आपके लिए, इस जगह क्यूबिक वॉइड, ये सिंपल क्यूबिक में आता। अगर ये सिंपल क्यूबिक नहीं होता, एफसीसी होता, तो बॉडी के सेंटर पे जो एटम जो आता वॉइड, फिर वो क्यूबिक वॉइड नहीं कहलाता, फिर वो क्या कहलाता, आप पहले ही पढ़ चुके हो, क्या कहलाता वो, जल्दी से बोलो, ऑक्टाइडल वॉइड। तो ऑक्टाइडल वॉइड बॉडी के सेंटर पे कब होता है, जब एफसीसी स्ट्रक्चर हो। लेकिन अगर स्ट्रक्चर आपकी सिंपल क्यूबिक है तो बॉडी के सेंटर वाला वॉइड आपको क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्यूबिक वॉइड। इज दैट क्लियर, एक बात ध्यान रखना, क्यूबिक वॉइड जो भी एटम होता है वो हमेशा सराउंडिंग या लेटेस्ट एटम से क्या माना जाता है, छोटा माना जाता है, ठीक है। तो 0.732 यानी ये रेशियो ही रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब आगे थोड़ी और मेहनत करते हैं हम, चलिए कुछ अलग ही तरह के आयनिक सॉल्ट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हमारे बहुत सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं NaCl, NaCl के अंदर अगर आप देखिएगा Na को लैटिस पे रख देंगे तो Cl आपके कहाँ पर होगा, वॉइड में, कहाँ पर, कौन से वॉइड में आएगा, ऑक्टाइडल वॉइड में। इसका अपोजिट करोगे तो भी यही रहेगा कि अगर आप बड़े वाले को Cl लिख दो तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, Na+। तो दोनों एक दूसरे के लिए लैटिस एटम और दूसरा उसके लिए क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये हमारे लिए हो गया NaCl। तो बताइए आप ही मेरे को बताएं कि NaCl
एन ए और सी एल, मान लीजिए ये लैटिस पर है तो कौन सी स्ट्रक्चर होगी? एफ सी सी। एफ सी सी के लिए जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव होगा यहाँ पर 4, समझ में आ रहा है। और एन ए प्लस जो कि वॉइड में है, कौन से वॉइड में है? ऑक्टाइडल वॉइड में। और ऑक्टाइडल वॉइड, ओ वी का मतलब ऑक्टाइडल वॉइड, जेड इफेक्टिव कितना होता है ऑक्टाइडल वॉइड के लिए बताइए? 4। तो बताइए इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? 4:4। और इसका यूनिट फॉर्मूला क्या होगा? एन ए फोर सी एल फोर, ये इसका यूनिट फॉर्मूला होगा। इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन ए सी एल। तो ये हमारे पास इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी आ गई। डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी आप खुद ही जानते हो, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास डिवाइडेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एक तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय एन ए सी एल का 58.5 डिवाइडेड बाय एन ए, ये तो हो गया मास, ठीक है। और वॉल्यूम ए क्यूब। आप ही बताइए ए की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर ए की वैल्यू होगी, देखो ध्यान से, ये ए है, ए की वैल्यू क्या होगी? 2R+ + 2R-। तो ये ए की वैल्यू भी हो गई। तो ए की वैल्यू आपके पास 2R+ R- करके ए निकाल लेना, ए की वैल्यू यहाँ रख के डेंसिटी निकाल लेना। इज दैट क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर इस जगह क्या होगा? 6:6। इज दैट क्लियर? अब पहले आप मेरे को बताइए कि हाँ एफ सी सी स्ट्रक्चर है, हाँ, तो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों बोला, 12 क्यों नहीं बोला, 6 क्यों बोला, 12 क्यों नहीं बोला? उसका आंसर यही है कि देखिए, पहले मेरी फैमिली में सबसे क्लोज मेरे मम्मी पापा सब थे, अब शादी हो गई है, समझ में आ गया, वही चीज़ हुआ है। पहले वॉइड नहीं था, अब वॉइड आ चुका है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड आते ही चेंज हो जाते हैं मेन एटम के, कई बार वही बने रहते हैं, तो वो और अलग बात है। तो समझ में आ गया? तो जब तक वॉइड नहीं होता एफ सी सी में, तब तक कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 12 होता है, लेकिन वॉइड आते उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है वॉइड कौन से आ रहे हैं। अगर वॉइड ऑक्टाइडल वॉइड ही आ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो जाएगा? अब नया 6, और दोनों का क्या रहेगा? 6:6। इस तरह से निकालना पड़ेगा आपको उसके लिए। दूसरी स्ट्रक्चर है जेड एन एस। आप मान लीजिए जेड एन एस कैसे देखेंगे? ये आपके पास इस जगह सल्फर एटम है बड़े वाले, और छोटे वाले जो टेट्राहेड्रल वॉइड में वो कितने, वो आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड में वो है आपके पास जेड एन। तो ये S-2 और ये आपके पास है जेड एन प्लस 2, ध्यान से देखिएगा। लेकिन देखा जाए तो आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, S-2 का जेड इफेक्टिव कितना है? 4। लेकिन Zn+2 जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड में, वो कितने होने चाहिए? 8। लेकिन 50% वॉइड ही ऑक्यूपाइड है, बाकी की साइड्स खाली पड़ी रह गई, कोई आया ही नहीं, तो कितना हो जाएगा उसका जेड इफेक्टिव भी? 4। यानी 8 थी साइड, 8 में से 4 ऑक्यूपाइड हुई है, अल्टरनेट वाली हुई है। तो एक तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी A4B4 टाइप यूनिट फार्मूला बनेगा, या आप बोल सकते हो एम्पेरिकल फार्मूला AB। तो ये आपने पढ़ा Zn S फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सीजियम क्लोराइड की। सीजियम क्लोराइड देखो कितना प्यारा सा लुक आ रहा है, यहाँ पर सिंपल क्यूबिक है और एक बीच में कोई आयन है, ये आयन आपका सीजियम है। इज दैट क्लियर? तो ये जो सीजियम आयन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है आपको? 8। बिल्कुल, यानी क्यूबिक आयन का क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या दिखाई देगा देगा यहाँ पर? 8। और बहुत अच्छा है, इस जगह डेंसिटी निकालो, मजा आएगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है इसका? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो कितने जिंक आ, कितने सीजियम आ रहे हैं? 1। और क्लोराइड भी कितना आ रहा है? 1। तो आप सीजियम और क्लोराइड का मोलर मास निकाल लो, पूरा मॉलिकुलर वेट ऑफ सीजियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर कर दो, डिवाइडेड बाय ए क्यूब कर दो, और ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? आप 2, क्योंकि ये √3A होता है, तो √3A की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2R+ + 2R-। इस तरह से हम इसकी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला बना है। अब आगे नई स्लाइड्स हम देखते हैं, आप इसको चाहे तो मेन आपके नोट्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, जैसे CF2। CF2 को फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। CA यहाँ पर कहाँ पर है? CA जो कि कैटायन है वो FCC लैटिस पॉइंट पे है, और F- आपके कहाँ पर है? टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे देखिए ध्यान से, CA+2, इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा? इसका होगा 4 FCC होने की वजह से, FCC पॉइंट। और F- ये कहाँ पर होंगे? F- ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में होने की वजह से इसका कितना होगा? 8। 100% ऑक्यूपाइड है, जितनी साइड्स हैं उतने ही ऑक्यूपाइड हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? CA+4, ये CA2 और ये 4 आएगा, और दूसरी तरफ
एफ माइनस कितना हो जाएगा 8, तो ये आपके पास हो जाएगा सी ए एफ टू। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा सी ए एफ टू। और डेंसिटी अगर आपको निकालनी है, डेंसिटी तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो कितनी यूनिट बनेगी 4 सी ए सी एल टू, तो मोलर वेट ऑफ सी ए सी एल टू डिवाइडेड बाय होगा तो नंबर डिवाइडेड बाय ए क्यूब। इज दैट क्लियर? अच्छा ए की वैल्यू क्या होगी, वैसे तो ए की वैल्यू डायरेक्ट देगा, और अगर नहीं दिया है तो आप पूरा बॉडी डायगोनल अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3a की वैल्यू, अंडर रूट 3a डिवाइडेड बाय आप क्या कर दो 4, देखो यहां से तोड़ो फिर आधा फिर आधा, तो आधा करते हैं आधा, अंडर रूट 3a बाय 4 की वैल्यू कितनी होगी r प्लस प्लस r माइनस। तो ये करके आप a निकाल सकते हैं, a निकालने के बाद आप डेंसिटी निकाल सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो, कोई बहुत टफ काम नहीं है इसके लिए। तो ये आपके पास सी ए एफ टू हो गया, इज दैट क्लियर? तो इसका अपोजिट आप ले सकते हो एन ए टू ओ। एन ए टू ओ में क्या होगा ध्यान से देखिए, एन ए टू ओ ये आपके पास एफ सी सी लैटिस पॉइंट पे होंगे, ये आपके पास कहाँ होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड पे होंगे, और वैसे ही बिल्कुल अपोजिट जस्ट, तो इसको बोलेंगे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एक बात ध्यान रखना, मतलब जहाँ कैटायन वहाँ होते थे, कैटायन एनायन आपस में पोजीशन चेंज कर लिए, सी एफ टू से जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर बन रही है, इसलिए एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। बाकी आप इसको कर सकते हैं। बच्चों हम बात करें डिफेक्ट्स की, ये डिफेक्ट्स होता क्या है? देखिए आपने क्रिस्टल बनाया, कैटायन एनायन रखे, अगर कैटायन बाहर निकल जाए या एनायन बाहर निकल जाए तो इस तरह से बनने वाले इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं। तो चलिए इन्हीं डिफेक्ट्स के बारे में कुछ हम पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें पॉइंट डिफेक्ट्स। डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। व्हेन सम आयंस आर मिसिंग फ्रॉम आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम देयर थ्योरिटिकल लैटिस पॉइंट्स द क्रिस्टल इज डिफेक्ट स्ट्रक्चर, सही है? और टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये डिफेक्ट बढ़ते हैं। जीरो केल्विन पर हम बोल सकते हैं डिफेक्ट्स जीरो हो सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफेक्ट्स के बारे में रहा। तो देखिए पॉइंट्स इफेक्ट हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? पहला है स्टोइचोमेट्रिक और दूसरा है नॉन स्टोइचोमेट्रिक। स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर डिफेक्ट हुआ भी और आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे स्ट्रेचोमेट्रिक डिफेक्ट। हाँ अगर स्ट्रेचोमेट्रिक फॉर्मूला चेंज हो जाता तो उसे हम कहाँ रखते? नॉन स्ट्रेचोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है कि क्या हम इनका फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं? हाँ, क्लासिफिकेशन किस तरह से हो सकता है? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्ट्रेचोमेट्रिक डिफेक्ट को मैं दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ, एक शॉर्टकी डिफेक्ट, एक फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की में शॉर्ट वर्ड आता है यानी कि डेंसिटी शॉर्ट है, फ्रैंकल में शॉर्ट वर्ड नहीं आता है इसका मतलब डेंसिटी शॉर्ट नहीं है। डेंसिटी कब शॉर्ट होगी शॉर्ट की इफेक्ट के अंदर? जब पार्टिकल बाहर निकलेंगे, और हम जानते हैं कि दोनों ही डिफेक्ट स्ट्रेचोमेट्रिक जो कंपोजिशन है यानी इंपेरिकल फॉर्मूला है वो सेम रखते हैं, यानी शॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर जितने कैटायन जाएंगे उतने ही उसी रेशियो में एनायन भी चले जाएंगे, तो इस कारण आपका शॉर्ट ओवरऑल इस तरह से जाएंगे कि आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम बना रहे। तो चलिए शॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर देखते हैं और ज़्यादा क्या पॉइंट्स हैं। आपका केटायन एनायन बाहर भेजना है तो इस जगह जनरली केटायन और एनायन की साइज अप्रॉक्सीमेट क्या होगी? सेम होगी, मतलब केटायन और एनायन लगभग लगभग बराबर ही होंगे, और जब दोनों बराबर होंगे तो नो डाउट आप कि इस तरह के सॉलिड्स के अंदर क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा किसका होता है? जैसे NaCl, जैसे आप देख सकते हो ZnS। तो एग्जांपल मैं देखूंगा आपके साथ, ZnS के अंदर मैं नहीं बोला लेकिन NaCl के लिए AgBr के लिए मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट के डिफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग केटायन और एनायन की साइज अप्रॉक्सीमेट क्या है? बराबर है। तो शॉर्ट के डिफेक्ट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी देखी आपने? केटायन एनायन लगभग बराबर है, डिफेक्ट भी हो रहा है, केटायन एनायन बाहर भी जा रहे हैं और डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, केटायन एनायन स्ट्रेचोमेट्रिक रेशियो में ही बाहर जा रहे हैं, और नेक्स्ट स्ट्रेचोमेट्रिक फार्मूला ओवरऑल सेम बना हुआ है, इससे डेंसिटी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू पहले के कंपेयर में कम हो जाएगी। अब आगे देखिए ये कहाँ देखने को मिल रहा है? NaCl, KCl, NaBr। नेक्स्ट फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर पहली बात आप ध्यान से सुन लीजिए, केटायन एनायन बाहर नहीं जाएंगे और इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम रखना है, यानी केटायन एनायन बस आगे पीछे अपनी पोजीशन से हो चुके हैं, इसका मतलब इनकी साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए बहुत सारे बड़े बड़े एटम के अंदर अगर छोटा एटम हो जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगी मूव करने के लिए, और अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से वो मूव करेगा तो उससे जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी फ्रैंकल डिफेक्ट में केटायन और एनायन की साइज़ का रेशियो बहुत कम होगा, केटायन और एनायन की साइज का रेशियो बहुत कम होगा, यानी केटायन एनायन से बहुत छोटा होगा।
तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल होंगे ZNS, ZNS, AGBR। तो AGBR एक ऐसी ऐसा सब्सटेंस है जो फ्रैंकल भी दे रहा है और शॉर्ट की डिफेक्ट भी दे रहा है, इज दैट क्लियर। लेकिन ZNS सिर्फ आपको क्या दे रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है, फ्रैंकल, और NaCl, NaBr आपको क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे थे आपको, शॉर्ट की डिफेक्ट, इज दैट क्लियर। क्या यहाँ पर डेंसिटी शॉर्ट होगी, नहीं, क्योंकि कैटायन एनायन बाहर जा ही नहीं रहे, सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे, यानी मास में कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, तो डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं, वैसे भी इसमें शॉर्ट वर्ड नहीं आ रहा तो डेंसिटी तो वैसे भी शॉर्ट नहीं होगी। तो ये हमने दोनों ही डिफेक्ट्स कौन से पढ़े, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। अब बात कर रहे हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू शॉर्ट की डिफेक्ट्स डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, और क्रिस्टल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं नॉन स्ट्रेचोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्ट्रेचोमेट्रिक डिफेक्ट में खास बात है कि उनका स्ट्रेचोमेट्रिक फार्मूला चेंज हो जाएगा। जब स्ट्रेचोमेट्रिक फार्मूला चेंज हो जाएगा तो या तो मेटल पहले के कंपेयर में बढ़ जाएगा या मेटल कम हो जाएगा। अगर मेटल बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और अगर मेटल कम हो गया तो इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो हम पहले बात करें मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी मेटल बढ़ चुका है पहले के कंपेयर में, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपको कब दिखाई देगा। देखिए ऐसा तभी हो सकता है, या तो मेटल बाहर से आ जाए, मेटल बाहर से आएगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन भी आएगा, और दूसरा या इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के भाग गया है, यानी यहाँ पर एनायन अपनी जगह छोड़ के भाग गया और इलेक्ट्रॉन छोड़ के भगा है, यानी कि समझना एनायन बाहर निकल गया और उसकी जगह सिर्फ इलेक्ट्रॉन रह गया वहाँ पर। तो एनायन के बाहर जाने से भी तो नॉन स्ट्रेचोमेट्रिक डिफेक्ट क्रिएट होगा। तो बिल्कुल यहाँ आपको एक ही चीज़ समझनी है कि अगर आपके पास यहाँ पर एनायन अपनी जगह पर इलेक्ट्रॉन छोड़कर भरा है, भगा है, भगा का मतलब बाहर गया है, तो इससे क्या होगा, आपका क्रिस्टल न्यूट्रल भी बना रहेगा, डिफेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर एक एनायन के कंपेयर में ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट कर सकता है, जिससे कलर जनरेट हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्बे कलर्स। फर्बे कलर की वजह से आपके पास जो डिफेक्ट होगा उसको बोल इस पॉइंट को होगा डिफेक्ट पॉइंट को होगा उसको हम बोलेंगे एफ सेंटर। तो एफ सेंटर बोलने के पीछे यही था, एक इलेक्ट्रॉन है जो एब्जॉर्ब करता है कौन सी लाइट को, जिससे कलर जनरेट होता है, और कलर जनरेट होता है तो यहाँ पर आपको कलर्स भी दिखाई देंगे अलग अलग। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी लिए हुए हैं, NaCl के अंदर ये देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से यहाँ पर येलोइश कलर जनरेट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही लिथियम हैलाइड्स के अंदर भी वायलेट कलर जनरेट होता है, तो दोनों के पीछे ही एफ सेंटर रीजन है। तो आपसे अगर कोई पूछे एफ सेंटर क्या है, एफ सेंटर इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट इन विच एनायन एलिमिनेट एंड इन स्पेस ऑफ एनायन इलेक्ट्रॉन गेन पोजिशंस। आगे एक और है, मेटल अगर आ जाता है एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल जगह बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा जगह खाली पड़ी रहती है उसमें अगर मेटल आता है तो दूसरी इंटरस्टिशियल जगह पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इज दैट क्लियर। तो ये इफेक्ट, ये डिफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ZNO में। ये दोनों ही डिफेक्ट आपके क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, या सुनो। अब मेटल डेफिशिएंट कैसे होंगे, या तो मेटल बाहर चला जाए या एनायन एक्स्ट्रा आ जाए, तो ये दोनों ही डिफेक्ट आपको मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट मिलेंगे। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम, मेटल कहाँ देखने को मिलेंगे। तो देखिए मेटल आयन मिसिंग अगर बात कर रहे हैं तो FeO, FeS, NiO, ये सारे ही हमारे लिए मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट शो करेंगे। और दूसरा अगर एनायन आता है तो देखिए एनायन आता है, कोई भी एनायन आएगा तो किसी न किसी कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट भी होगा, और ऐसे डिफेक्ट्स आपको FeO, NiO, FeS में देखने को मिलेंगे। ये दोनों ही आपके पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर काउंट होते हैं। तो हमने अच्छे से पढ़ लिया डिफेक्ट्स, अब डिफेक्ट्स के साथ ही हम ये चैप्टर फिनिश करते हैं।